बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादों की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ये इस वक्त मैं दरिया गली के पास एक हम पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और ये देखें कितने ऊंचे ऊंचे यहाँ पे ये चीड़ के दरख्त हैं। ये देखें ज़रा ज़मीन से ले कर कितने ऊंचे हैं। यहाँ नीचे ये एक थोड़ी सी इवन जगह है, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, चादरें शादरें बिछा के पिकनिक मना रहे हैं। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक है। हम भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। ये हमारे घर से कोई 1.5 किलोमीटर का फासला है, लेकिन हम काफ़ी टाइम तकरीबन आधा घंटा लगा के हम यहाँ पहुँचे हैं। रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक है जगह जगह के ऊपर। ये मैं आपको दिखाती हूँ, इधर हम पहुँचे हैं। ये एक जगह है, थोड़ा सा नीचे से रत्ती गली से ऊपर की तरफ आए तो ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। और ये इन दरख्तों के पीछे से सूरज जो है वो इस वक्त ग़ुरूब हो रहा है। और नीचे ये देखें इस तरफ से जो बच्चे हैं, यहाँ के मुकामी लोग हैं, लड़के हैं, ये सारे फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। ये एक मैदान की तरह जगह है और यहाँ पे वो बैठे हुए। मैं आगे आपको और दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो भी आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, कुछ मुकामी लोग हैं। बड़ी ही खूबसूरत ये जगह है। और ये देखें ये कुलडरना के करीब जगह है और यहाँ पे लोग जगह जगह के ऊपर लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, खाने पका रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त शाम का टाइम है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ काफ़ी रौनक है। आज पूरे मरी में और मरी के गिरदो नवा बहुत ज़्यादा रश है। जगह जगह पे ट्रैफिक है बंद हुई, लोग लाइनों में खड़े हैं और रास्ता नहीं मिल रहा। गाड़ियाँ भी हैं बहुत सारी ट्रैफिक में, मोटरसाइकिलें, पैदल भी लोग निकले हुए हैं और नथिया गली है यूपिया की तरफ जा रहे हैं। भरपूर ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखें मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, बच्चे गए हुए पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ या आपको दिखाऊं। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे ये दरख्त बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे हैं। ये एक दरख्त आपको दिखाऊं, ये वाला, ये देखें ये नीचे से एक है और ऊपर फिर ये तने हो गए हैं दो इसके, ये फिर जाके ऊपर से यहाँ से एक हो गया, फिर ऊपर जाते जाते ऊपर तक अगर नज़र आ जाए तो फिर ऊपर ये देखें यहाँ से जाके दरख्त के तीन हिस्से हो गए। ये देखें अब बहुत ही ऊंचा ये दरख्त है, सारे इसी तरह के हैं ऊंचे ऊंचे दरख्त। ये देखें पूरे बहुत खूबसूरत। और इस वक्त हवा काफ़ी चल रही है, मौसम ठंडा हो रहा है। अच्छा एक बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, ये देखें हमसे पहले भी यहाँ लोग बैठ के गए हैं, ये प्याज के छिलके और ये रैपर्स और ये पानी की बोतलें और चीज़ें यहाँ पे फेंक के लोग इसी तरह से चले जाते हैं। कितनी गलत बात है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं और ये जगह इतनी खूबसूरत है, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं यहाँ आके गंद डाल देते हैं, अपने माहौल को साफ़ नहीं रखते। ये देखें ये लोगों ने गंद डाला। तो मेरी यहाँ आने वालों से गुजारिश है कि जब कभी आएँ इस तरह की जगह के ऊपर तो जो आपके रैपर्स हैं, खाली बोतलें हैं, जो चीज़ें हैं आपकी फेंकने वाली, उसको आप एक लिफाफे में डाल दें। ये देखें जी यहाँ पर एक बच्चा ये बेच रहा है। इधर आओ बच्चे, बात सुनो, दिखाएं। ये देखें जी ये क्या है, ज़रा फूल हैं, क्या करते हैं इसको, इधर सर पे पहनते हैं। अच्छा ये देखें जी इस तरह से ये खुद ही बनाते हैं। ये यहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा हैं पहाड़ों के ऊपर। ये देखें व्यूवर्स, अहमद के दादाजी ने एक छड़ी पकड़ी हुई है वहाँ से सोटी लेके, और लोग जो रैपर फेंके हुए हैं और गंद वो बेचारे इकट्ठा कर रहे हैं उसको और एक जगह पे कर रहे हैं।
लोगों को चाहिए कि जो अपना गंद फेंकें प्लीज़ अपना कचरा जो है किसी लिफाफे में डाल के साथ ले जाएं, और ये जो कुदरती खूबसूरती है इन जगहों की वो ख़राब ना करें। हम यहाँ इंजॉय करने आते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, ये देख के बड़ी तकलीफ़ होती है कि लोग यहाँ आते हैं और इतना गंद फेंक के चले जाते हैं। वो देखें जी, सफाई करते करते खुद ही नीचे जाने लगे थे, सफाया होने लगा था। क्यों दादों की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।